हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा करेला। ये लगभग 350 ग्राम करेले हैं। इसे मैं आधा आधा पीस करके और इसको मैं उबालूंगी थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ में। इसे छीलने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरीके से बहुत अच्छे बनेंगे। इसे धो के अच्छे से मैंने ले लिया है और इसे मैं काट के चढ़ा देती हूँ गैस पर। इसमें एक गिलास पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी हल्दी। अब इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। करेला पकने तक इसको हम गैस पे रखेंगे। जब तक हमारा करेला पक रहा है, ये सारी चीजें हम काट के रख लेते हैं बारीक बारीक। जैसे कि ये दो बड़ी साइज की प्याज है, दो बड़े साइज के टमाटर हैं, दो हरी मिर्च है, लहसुन है, थोड़ी सी अदरक भी मैं भूल गई हूँ लेना, ले लेती हूँ। ये सारी चीजों को जितना बारीक आप काट सकते हैं काट लीजिए, चाहे कद्दूकस कर लीजिए। तो मैं कद्दूकस कर लेती हूँ टमाटर को, प्याज को बारीक बारीक मैं चॉपर में चॉप कर लूंगी। चलिए देखते हैं, करेले हो चुके हैं शायद। एक चाकू की सहायता से देख लेते हैं करेले गल गए हैं या नहीं। करेले हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। करेलों को मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए अभी साइड में रख दिया है। फिर इसका बीज निकालेंगे। अगर बीज कड़े होंगे तो उनको हम नहीं डालेंगे, अगर बीज नरम होंगे, मुलायम होंगे, तो उन्हें हम मसाले में डालेंगे। और इसके बाद हम पहले अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए, तो दो टमाटर हमने कद्दूकस कर लिया है, जो दो प्याज थी उसे हमने जो है चॉपर में चॉप कर लिया, जो कि बिल्कुल बारीक हमने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और लहसुन है, इसे भी हमने काट के एकदम बारीक बारीक रख लिया है। बाकी ये मसाले हैं, धनिया पाउडर है 2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च है। और ये तड़के में हम इसे पंचफोरन को डालेंगे। चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं, गैस जला लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, इसमें पंचफोरन डाल देते हैं, लहसुन भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल देंगे। इसे हमें लाल होने तक भुनना है, लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो जलेगा ये। गैस को मैंने तेज ही रखा है। प्याज को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है, 1 मिनट और लगभग मैं भून लूंगी। फिर इसमें मैं जो टमाटर घिस के रखे हुए हूँ कद्दूकस करके, उसे डालती हूँ। प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है, अब ये हो चुके हैं। प्याज अच्छे से बस गल जाए, थोड़े से सुनहरे हल्के से हो जाए, बस इतने पर ही इसमें टमाटर डाल देना है। इसके बाद इसमें तुरंत हम टमाटर डालने के बाद नमक डालेंगे। मैंने नमक स्वादानुसार लिया है। नमक डालने के बाद देखिए, इसमें पानी सा थोड़ा सा वो हो रहा है, निकल रहा है। अब इसी स्टेज पर इसमें हम मसाले डाल देंगे। गैस को थोड़ा धीमा करते हैं, मीडियम। इसमें थोड़ा सा आमचूर भी पड़ेगा, मैं दिखाना भूल गई। अगर आम के सीजन में बनाएं तो इसमें कच्चा आम भी घिस के डाला जा सकता है। अब इसे हम ढक देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर, जब तक मसाला पक रहा है। अब हम देख लेते हैं, इसे इसका बीज निकालेंगे, ठंडा हो चुका है। ऐसे चम्मच की सहायता से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। देखिए अच्छा से ये सारा बीज इसमें से निकल चुका है। देखिए इसी तरीके हम सब में से बीज निकाल लेंगे। करेले के जितने भी बीज मैंने निकाले सारे कड़े थे, तो उनको मैंने हटा दिया है, उसे मैं नहीं डालूंगी। अगर मुलायम होते तो मैं मसाले में इसी वक्त डाल देती हूँ, उसमें अच्छे से वो भी पक जाते। लगभग 5 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है, धीमी आंच पे ही था, तो इसे चलाते हैं। अभी इसे बहुत अच्छे से सुखा देना है हमें। 1 मिनट के लिए इसे और ढकूंगी मैं। अभी इसे देख लेते हैं फिर से, अब हम इसे खुला कर देंगे इसी तरीके से, ताकि इसमें जो भी थोड़ा सा गीलापन है वो सूख जाए। आंच को धीमा ही रखेंगे। ये लगभग सूख चुका है, इसे अब हम थोड़ा सा चला चला के इसे और सुखा लेंगे। कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। बस 1 मिनट थोड़ा इसको और भून लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल भी कढ़ाई में पकड़ नहीं रहा है, अब ये रेडी हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देती हूँ, अब इसे निकाल लेती हूँ मैं। इसे ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम करेलों में इसे भरेंगे।
5 मिनट तक इसे छोड़ देते हैं, ठंडा होने देते हैं। मैंने सारे करेलों को अच्छे से भर के देखिए रख लिया है। अब इसे हम तेल डाल के इसको कम ही तेल में इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना इसे हमें। तो कढ़ाई हमने चढ़ा रखी है, कढ़ाई गर्म भी हो चुकी है, इसमें मैं तेल डालती हूँ। मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है, तेल गर्म भी हो गया है। अब इसमें हम करेले डाल देते हैं, तीन तीन करके इसमें हम शैलो फ्राई कर लेंगे। गैस को मैंने मीडियम पर कर रखा है। इसको इसी तरीके से पलट पलट के इसे हम सेकेंगे ताकि इसकी ऊपर की जो परत है ये करेले की, ये क्रिस्पी हो जाए और देखने में थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन नजर आने लगे। फिर इसको हम उतार लेंगे। करेले हमारे हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए ये जो नहीं तले हुए हैं इनकी कवर कितनी मोटी मोटी सी दिख रही है और गीली सी दिख रही है, और जो तल चुके हैं देखिए कितने ये सूखे सूखे से और क्रिस्पी से दिख रहे हैं। तो ये है कि दोनों में काफी फर्क हो जाता है, तलने के बाद ये सूख जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अभी हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं। शुरुआत में थोड़ा गैस तेज रखें, फिर इसके बाद इसको मीडियम कर दें ताकि ये धीरे धीरे से इसमें ये फ्राई होते रहें। ये भी लगभग हो चुके हैं लेकिन अभी थोड़ा 2-3 मिनट और रखूंगी मैं इसे। हर 2 मिनट के बाद इसे पलटते रहें नहीं तो ये जल जाएगा। आंच को बिल्कुल मीडियम ही रखें। देखिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है, आप इसे देखिए ध्यान से। इसमें से वो जो मसाला है थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये हो चुका है। अब इसे हम गैस बंद कर देते हैं और इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। हमारा भरवा करेला तैयार हो चुका है। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।